आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किसी भी फ़ोन की लाइव लोकेशन जो है अपने फ़ोन पे कैसे हासिल कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए और बगैर कोई जीमेल या ऐसा कोई अकाउंट या ऐप इंस्टॉल किए बगैर वो भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आप लोगों ने करना क्या है, जिस फ़ोन की करनी है आपने पहले वो फ़ोन पकड़ना है और उसके अंदर आपने गूगल मैप के नाम से एक ऐप होता है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो डीपी नज़र आती है यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन शेयरिंग के बटन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको शेयर लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ अलाउ करते जाना है जो भी आए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर दो चार घंटों के लिए करनी है तो वो भी है। अगर आपने यहाँ पे नीचे वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये बगैर टाइम के हो जाएगी कि जब तक आप चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब करना क्या है कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है और मोर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जो है टाइप कर देनी है अपनी जीमेल। तो यहाँ पर मेरी जीमेल आ चुकी है, मैं अपनी जीमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना है, गेट स्टार्ट पे चले जाना है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब तक ऐप ओपन होगी तब तक करोगे, या यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑल टाइम भी, जब भी ऐप ओपन हो ना हो मेरे पास लोकेशन जो आती रहे। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ और यहाँ पर जो है हमारे पास लोकेशन जो है सेंड हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे नीचे आपको आपकी डीपी नजर आ जाएगी, अगर आपने बंद करनी है लोकेशन तो यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर सकते हो, वरना आप जो है बैक करके इस तरह से उसको उसका फोन दे दोगे। और एक और चीज, यहाँ पे क्लिक करोगे और मोर ऐप में जाओगे और इसकी जो है नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे ताकि जब भी आप उसकी लोकेशन चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो नोटिफिकेशन शो होता है वो ना हो। तो ये करने के बाद अब मैं अपना फोन उठाता हूँ और इसके अंदर जो है मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद जो है व्यू गूगल मैप पे चले जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है मेरे पास गूगल मैप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी आ चुकी है और यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे फोन कहाँ पे है, सारा कुछ आप जो है यहाँ से देख सकते हो। और इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और ऐड टू होम स्क्रीन कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे बटन आ गया। अब जब भी मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि फोन कहाँ पे है, मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और मेरे पास इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो बहुत आसान सा तरीका था और इसको आप जब तक चाहो मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, बाकी इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।